नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेवजह घूमने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई, चौमारशी में कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू करें। बिजली गिरने से दो बैलों की हुई मौत, आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बेवजह घूमने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सूचना दी गई। बावजूद इसके चौमारशी में लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। इन लोगों पर पुलिस की ओर से वाहन के दस्तावेज की जाँच कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए नगर पंचायत के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को मुख्य सड़क पर विविध स्थानों पर तैनात रखा गया है। तो वही दूसरे और चौमारशी में कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू करें। चौमारशी तहसील का क्षेत्र काफी बड़ा है, संक्रमण भी बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर शीघ्र कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू करने की मांग भाजपा के पदाधिकारी ने की है। इस संदर्भ का ज्ञापन विधायक डॉक्टर देवराव होली को सौंपा है। 1 मई से 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। चौमारशी में भी लोगों का टीकाकरण हो, इसलिए केंद्र शुरू होना जरूरी है। यह मांग दिलीप चलाक, साईनाथ बरांडे, प्रतीक राड ने की है। तो वही तीसरे और बिजली गिरने से दो बैलों की हुई मौत। तहसील के ग्राम श्रीरामपुर में रविवार की रात अचानक बारिश हुई और बिजली गिरने से गौशाला में बांध कर रखे दो बैलों की मौत हो गई। यह घटना से यहां के निवासी किसान प्रभाक मंडल का भारी नुकसान हो गया। कुछ दिनों में खरीफ मौसम के खेती कार्य शुरू हो जाएंगे। इस घटना में बैल जोड़ी की मौत होने से किसान पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। इस ओर प्रशासन गंभीरता से ध्यान देकर पीड़ित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है, ताकि उस राशि से किसान फिर से बैल जोड़ी खरीदी कर खेती कार्य कर सके। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।